200 करोड़ बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी कि शाहिद कपूर की मच अवेटेड फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है, जिसका एडवांस बुकिंग इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा चुका है पूरे इंडिया में कई सारे शोज के माध्यम से। लेकिन भाई इस फिल्म को जिस तरह का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से पहले दिन के लिए मिला है, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात बहुत ही दुखी मन से कहना चाहूंगा कि भाई अच्छे संकेत नहीं है इस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया जिस तरह का एडवांस बुकिंग लेते हुए ये फिल्म कल सिनेमा घरों में एंट्री मार रही है, उसको देखने के बाद तो भैया इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर ये फिल्म अपना बजट निकाल लेती है बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस फिल्म के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। तो भाई इस फिल्म को लेकर मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के एडवांस बुकिंग वाले कलेक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के पहले दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट की जानकारी रखूंगी भैया, उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग करने के लिए कितने सारे शोज मिले हैं और कहां कहां कितने सारे शोज मिले हैं। तो भाई ये आंकड़ा सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि भैया इतने सारे शोज अगर इस फिल्म को पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग के लिए मिले हैं तो भैया इस फिल्म को कम से कम पहले दिन 8 से 9 करोड़ का एडवांस बुकिंग हासिल करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ क्या, तो आंकड़े अब आप सुनिए। तो दोस्तों, इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश में 68 शोज मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश में 28 शोज मिले हैं, आसाम में 158 शोज मिले हैं, बिहार में 188 शो मिले हैं, छत्तीसगढ़ में 236 शो मिले हैं, गोवा में 57 शोज मिले हैं, गुजरात में 1468 शो मिले हैं, हरियाणा में 207 शो मिले हैं, हिमाचल प्रदेश में 43 शो मिले हैं, झारखंड में 111 शो मिले हैं। अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो भैया मेरे शहर में इस फिल्म को 2 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया है, एक मल्टीप्लेक्स है आईलेक्स तो दूसरा है पीजेपी सिनेपोलिस। और दोस्तों, आपको जो बात अभी मैं बताऊंगा अपने शहर की, उसको सुनकर तो आप बुरी तरह से हंसोगे मेरे भाई। यानी कि भैया 1700 मिले हैं इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए मेरे शहर में। और भाई 1700 के माध्यम से इस फिल्म के पूरे जमशेदपुर में कितने टिकट बिके हैं एडवांस बुकिंग में, तो भाई लगभग 60 से 70 इतना ही टिकट इस फिल्म का बिका है, और वो भी केवल पीजेपी सिनेपोलिस में। आईलेक्स में तो इस फिल्म का एडवांस बुकिंग का सेक्टर जो है वो ओपन ही नहीं हो पाया है मेरे भाई। यानी कि कल अगर ये फिल्म कैंसल होती है आईलेक्स में तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम लोगों ने कई सारे फिल्मों के शोज को भैया कैंसल होते हुए देखा है आईलेक्स में मेरे भाई। यानी कि ये मेरे शहर का हालत है, तो आप उम्मीद लगा लो कि भैया बाकी शहरों का क्या हाल होगा। यानी कि भैया झारखंड में 111 शो मिले हैं इसको एडवांस बुकिंग के लिए, कर्नाटका में इस फिल्म को 484 शोज मिले हैं, केरला में इस फिल्म को 34 शोज मिले हैं, मध्य प्रदेश में 580 शोज मिले हैं, महाराष्ट्र में 1058 शोज मिले हैं, उड़ीसा में 200 शो मिले हैं, पंजाब में 397 शोज मिले हैं, राजस्थान में 476 शोज मिले हैं, तमिलनाडु में 55 शोज मिले हैं, तेलंगाना में 201 शोज मिले हैं, त्रिपुरा में 16 शोज मिले हैं, उत्तर प्रदेश में 912 शोज मिले हैं, उत्तराखंड में 193 शोज मिले हैं, वेस्ट बंगाल में 487 शोज मिले हैं, दिल्ली में 1098 शोज मिले हैं और जम्मू एंड कश्मीर में इस फिल्म को 46 शोज मिले हैं। यानी कि भैया इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए पूरे इंडिया से 9400 शोज मिले हैं। और भाई इतने सारे शोज मिलने के बाद इस फिल्म के एडवांस बुकिंग की मदद से पूरे इंडिया में कितने टिकट बिके हैं, तो भाई उसकी संख्या है 77,576। यानी कि
77,576 टिकट ही अभी तक इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के माध्यम से पहले दिन के लिए पूरे इंडिया में बिके हैं, जिसकी मदद से इस फिल्म को 1,63,72,582 का ही एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया से मिल पाया है मेरे भाई। और भाई यही आंकड़े देखने के बाद दिमाग इस बात को लेकर चिंतित हो गया है कि भाई अगर कल इस फिल्म को पब्लिक के द्वारा जेन्युइन रिव्यू नहीं मिलता है, इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव खबरें नहीं आती हैं, तो भाई इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर संकेत बहुत ही बुरे आने वाले हैं। और भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई अब मल्टीप्लेक्स की जो जनता है ना, वो बहुत ही चालाक हो गई है मेरे भाई। उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि कोई भी फिल्म 2 से 3 महीने बाद, इवन तो भैया कुछ फिल्में तो 1.5 महीने बाद ही, इवन कुछ फिल्में तो भैया 1 महीने बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाती है, तो वो ये आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा कर रखते हैं कि भाई अगर हम अपने पूरे परिवार के साथ, यानी कि भैया छोटा परिवार, सुखी संसार वाले कॉन्सेप्ट वाले परिवार के साथ अगर फिल्म को देखने जाते हैं, तो भैया हमें कम से कम 800 से 900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिनेमा घर में जाकर। और अगर हम किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो भैया हमें 250 रुपए में वो फिल्म बहुत ही आसानी से घरों में देखने को मिल जाती है पूरे परिवार के साथ बैठकर। यानी कि भाई अब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से ग्रिप में आ गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भी अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों की, तो भाई उन लोगों ने तो पूरी तरह से मिडिल क्लास जनता को नगण्य कर दिया है कि भाई हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिंगल स्क्रीन को जीवित करना ही नहीं है। अगर मैं अपने शहर की बात करूं, तो भाई एक वक्त मेरे शहर में कई सारे सिनेमा घर हुआ करते थे, यानी कि पायल सिनेमा, करीम टॉकीज, बसंत टॉकीज, जमशेद टॉकीज, रीगल टॉकीज, नटराज टॉकीज, उसके बाद गौशाला टॉकीज, बहुत सारे सिनेमा हॉल हुआ करते थे जहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती थी वो आराम से अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी फिल्म को देखने जाती थी, क्योंकि उस वक्त फिल्में जो थी उनके बजट में हुआ करती थी। और भाई उसी वजह से उस जमाने में भैया सिंगल स्क्रीन जो थे ना, एक ही फिल्म दो दो सिनेमा घरों में लगी रहती थी और भाई भर भर के जनता फिल्मों को देखने सिनेमा घरों तक जाती थी। लेकिन उस जनता को छोड़ दिया है पूरी तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों ने, ये सोच करके भैया हमें 30-40 रुपए नहीं कमाने, हमें तो भैया 250-300 रुपए के टिकट बिकने हैं और भाई हम पहले दूसरे और तीसरे दिन में गेम कर लेंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो भाई कॉर्पोरेट कलेक्शन के बल पर चलने वाली बॉलीवुड अब कुछ दिनों में ही घुटनों पर आने वाली है, इसके संकेत अब मिलने लगे हैं मेरे भाई बॉक्स ऑफिस से। यानी कि जिस फिल्म को लेकर हाइप अगर तेज होगा, तो भाई वो फिल्में मल्टीप्लेक्स में चल पाएंगी, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एनिमल की, या फिर जिस स्टार को लेकर फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है उनकी फिल्में सिनेमा घरों में चल जाएगी, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन की। और उसके बाद भैया बॉलीवुड के जितने भी बाकी कलाकार है ना, उनको इंतजार करना पड़ेगा हाइप के लिए। तो भाई बुरा संकेत है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को लेकर। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई कि भैया इन बातों पर बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को विचार करना चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉरेन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मानी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।